हाय फ्रेंड्स, तो मैं मीनू राठौर आज आपके साथ शेयर करूंगी एल्फ गुडनेस का स्किन केयर। सबसे पहले डे स्किन केयर करेंगे। सबसे पहले आपको फेस को वॉश करना है। वॉश करने के लिए मैं एल्फ गुडनेस के फेस वॉश का यूज कर रही हूं। रोज़ फेस वॉश है ये। अच्छे से आपको आपके पाम में लेकर रब करना है। उसके बाद आपके फेस पे आपको लगा लेना है। हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में आपको फेस को मसाज करते हुए वॉश कर लेना है। एक सॉफ्ट से टॉवल से आपको फेस को पोंछ लेना। उसके बाद मैं यहाँ एल्फ गुडनेस के रोज फ्लेवर टोनर का यूज कर रही हूँ। स्प्रे फॉर्म में ये आता है। इसको आपको पूरे फेस एंड नेक पर स्प्रे करने के बाद हल्के से हाथ से आप टैप कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ एल्फ गुडनेस के एलोवेरा हाइड्रेटिंग सीरम का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट फेस पर लगा सकते हैं, चाहें तो हाथ पर लेकर इस तरह से 4 से 5 ड्रॉप लेकर आपको हल्के हल्के हाथों से आपके फेस पर इसको लगा लेना है। और लगाने के बाद इस तरह हल्के से फिर आप पुश कर देंगे प्रोडक्ट को अंदर की साइड। अभी हमें एल्फ गुडनेस के अंडर आई जेल का यूज कर रही हूँ। इसमें इस तरह से पुश करते हैं प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। चाहे तो आप डायरेक्ट अपनी आईज के नीचे इससे लगा सकते हैं, चाहे तो फिंगर की हेल्प से, रिंग फिंगर की हेल्प से इस तरह आपको लेनी है और हल्के हल्के हाथों से अंडर आई के नीचे आपको हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। और ये अंडर आई केयर का काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं एल्फ गुडनेस के ये डे क्रीम का यूज कर रही हूँ। इसको आपको आपके फिंगर टिप्स की हेल्प से पूरे फेस पे अच्छे से हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। और नेक पर भी आपको ज़रूर लगा लेना है। और लगाने के बाद इस तरह से आपको हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हैं, ऊपर की साइड कर सकते हैं और इस तरह टैप कर देना है। थोड़ा फेस को छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ मैं एल्फ गुडनेस के एलोवेरा जेल का डेली में मैं इसे एज ए प्राइमर के रूप में यूज़ करती हूँ। इससे आपके जो ओपन पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं और इसके बाद आप अपने डे में कोई भी जो मेकअप लगाते हो तो लगा सकते हो। तो इस तरह से मैंने पूरे फेस पे इसको लगा लिया है और ये मेरा डे स्किन केयर कंप्लीट है। और गाइस लुक इस तरीके से है। चलिए अब नाइट स्किन केयर की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रोडक्ट नाइट स्किन केयर के हैं। इसमें एक दो प्रोडक्ट ऐड किया है मैंने। सबसे पहले आपको नाइट में आपका जो फेस पे जो भी मेकअप किया हुआ है उसको रिमूव कर लेना है। इसके बाद मैं फेस को वॉश कर रही हूँ। इसे डबल क्लीजिंग मेथड बोलते हैं। और एल्फ गुडनेस के फिर से फेस वॉश का यूज कर रही हूँ। अच्छे से फेस पर लगा लेना है। लगाने के बाद थोड़ी देर तक आपको हल्के हल्के हाथ फिंगर टिप्स की हेल्प से हल्के हल्के हाथों से आपके फेस पे चारों तरफ अच्छे से आपको लगाने के बाद पानी से वॉश आउट कर लेना है। इसके बाद सॉफ्ट टॉवल से पोंछ लेना है। यहाँ मैं एल्फ गुडनेस के रोज़ वाटर को एज ए टोनर यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा, काफ़ी अफोर्डेबल टोनर है ये। सिर्फ 75 रुपीज़ में आ जाता है। कॉटन पैड की हेल्प से मैं इसे लगा रही हूँ। चाहें तो आप डायरेक्ट फेस पे भी लगा, हथेली पे लेके भी लगा सकते हैं। फिर से मैं फेस सीरम का यूज कर रही हूँ। एल्फ गुडनेस के एलोवेरा हाइड्रेटिंग फेस सीरम का काफ़ी गर्मियों के हिसाब से काफ़ी अच्छा, काफ़ी सॉफ्ट फेस सीरम है। बिल्कुल चिपचिप नहीं करता है और लगाने के बाद आपकी फेस एकदम से ग्लोई लगने लगता है। अच्छे से आप लगा लिया है मैंने पूरे फेस पर और टैप टैप कर देना है थोड़ा सा इसको। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एल्फ गुडनेस का फिर से अंडर आई जेल लिया है। फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ अब की बार मैं। लगाने के बाद अच्छे से चारों तरफ आपको सर्कुलर मोशन में मसाज कर लेना है। यहाँ मैं अब एल्फ गुडनेस के नाइट क्रीम का यूज कर रही हूँ। डॉट डॉट करके पूरे फेस पर सबसे पहले आपको लगा लेना है। फेस पे लगाना है, डॉट डॉट करके नेक पे भी लगा लेना है। लगाने के बाद आपको फिंगर टिप्स की हेल्प से इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। फिर नेक पे ऊपर की साइड करते जाना है और इस तरह से मतलब सर्कल जैसे मसाज करते हैं नाइट में, हल्की सी मसाज आप अपने फेस को दीजिए ताकि जो आपका फेस है एकदम से रिलैक्स हो जाए। हल्के हल्के हाथों से ही करना है आपको अपवर्ड मोशन में। और इस तरह से मैंने पूरे फेस पे मसाज कर ली है। एल्फ गुडनेस की कोई लिप बाम है नहीं, मैंने देखी भी तो भी नहीं मिली पर्पल पर, तो मैं हिमालय के लिप केयर का यूज कर रही हूँ लिप बाम का। तो ये है फुल वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।